अंदर लाइट नहीं है, जब ये आ जाएंगे तब लाइट आएगा। मुझे बहुत मत बहुत खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड आ गई है। स्वागत है आपका मेरा फिर से न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाली कि हमारे कॉलोनी में घर कैसा है। मेरी एक सिस्टर आई हुई है, उनको मकान चाहिए था तो मैं उनको दिखाने जा रही हूँ। आपको भी यहाँ का मकान दिखाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर है हमारा कॉलोनी, देख चलो चलते हैं। आइए आंटी, फाइनल फाइनल हमारे नए पड़ोसी आने वाले हैं। ये एक और सहेली हो गई हमारी बहन। ये मेरी तिवारी आंटी रहना चाह रहे हैं, वो मकान मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो गाइस ये मकान है, ये घर है, लगता है मकान दोनों को देखना है। तो गाइस ये इसका पाइप है, अभी चाबी मेरे पास नहीं है, अंकल को बोली हूँ चाबी है क्या। शर्म कर रहा कैमरे में आने में। मुझे बहुत मत बहुत खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड आ गई है। अब पता नहीं कैसे दिख रहे हैं कि नहीं, अंधेरा है। ये देखो ये रूम है, ये किचन है, हो जाएगा शायद थोड़ा सो जाना। ये हॉल है, ये कॉमन लैंड बाथ है। मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट आ रहा। और ये रूम है, और मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का। ये देखिए नींबू का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है। अच्छा है ये, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए गाइस, छत पर चले के मम्मी बहुत सुंदर है। तो देखा गाइस आपने, यही घर है, रेंट पे है ये, अभी रेंट पे ले रहे हैं। डोडो बहुत एक्साइटेड हो रही है, पता नहीं डोडो को रहना है क्या। डोडो तुमको रहना है क्या। ये डोडो है हमारी कॉलोनी को, अभी इसको हमने बंद कर दिए थे अंदर। तो चलो छत पे चलते हैं। तो गाइस सब हम छत में आ चुके हैं। देखो ये छत का नजारा है, कितना सुंदर लग रहा है। देखो वो जो दिख रहा है ना टावर, वो ACCL का हेड है वो। बहुत ज्यादा। नमस्ते बेटा, कैसा लगा घर। बढ़िया है, हो गया डील, हो गया सब चीज, हो गया है, जल्दी आना। बहुत सुंदर नजारा है, देख यहाँ का, पीछे का दिखा रही हूँ। पंजाबी है, मैं बंगाली हूँ, पल्ले पल्ले करेंगे हम दोनों आने के बाद। पसंद आया आपको। हाँ पसंद आया, पहले से बाय बोल दी ना, क्योंकि फोन में बात करना है ना इसीलिए। हाँ ये बच्चे हैं। तो गाइस मेरे कमेंट्स में ना ये कमेंट्स आया था कि मैडम आपका घर बहुत अच्छा लगता है, आपकी कॉलोनी बहुत अच्छी लगती है, तो एक बार मुझे बताइएगा आपका कॉलोनी का वीडियो बना के। तो आज मुझे, मेरे पास टाइम नहीं था बनाने के लिए, ऐसे टाइम नहीं, कोई भी अपना घर का चाबी तो देगा नहीं ना। तो आज मेरी फ्रेंड आई तो मेरे को इसी बहाना उनको घर दिखाना भी हो गया और मेरा ब्लॉग भी बन गया। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा कॉलोनी कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो गाइस एक चीज, तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी अभी वहाँ पे एक गार्ड रूम बना हुआ है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो देखो छोटा सा दिख रहा है, ये फेस वन है। सबसे पहले ये कॉलोनी में फेस वन ये बना था, उसके बाद फेस टू वो वहाँ बना है। देखिए जैसा आप दिख रहे हैं ना, वहाँ पे एक दीवार है, उसके बाद से वो लास्ट वाला घर मेरा है। तो कुछ दिन बाद यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही बैठना चालू हो जाएगा, गार्ड रूम की सुविधा हो जाएगी। और यहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी है, बहुत अच्छा कॉलोनी है, शांत वातावरण है। जो भी यहाँ आता है एक बार देखने के लिए वो यहीं का हो जाता है, बोलते क्या तो हमको
घर दे दो, अगर हमारे बजट में है तो हमको घर के लिए वो बात करना चालू कर देते हैं, या तो फिर रेंट के लिए आते। बस थोड़ा सा सड़क बस खराब है, तो वो भी 2 से 3 साल में वो सड़क बन जाएगा। रोड देख रहे हो कॉन्क्रीट वाला नहीं है, लेकिन ये जो टाइल्स लगा हुआ है ये बहुत अच्छा लगता है देखने में कॉलोनी में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप तो देखे हो मेरे घर के पास कितना अच्छा बना हुआ है, तो और क्या बोलूं? कॉलोनी और हमारा घर यहाँ का कितना अच्छा है, खूबसूरत है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।